जय सु, आई एम विभास फ्रॉम सेंट एलियोसिस चर्च बांगरमऊ। टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन द टॉपिक फेथ। विश्वास क्या है? बाइबल के अनुसार अध्याय 11 पद संख्या 1 में इब्रानियों के पुस्तक में लिखा है, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं जानते। विश्वास हमारे अंदर कितना होना चाहिए और यह हमारे लिए क्यों आवश्यक है? संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 20 में लिखा है, यदि हमारा विश्वास राय के दाने भी के बराबर भी क्यों ना हो तो हम इस पर्वत से कहें कि यहाँ से उठकर वहाँ चला जा तो वह चला जाएगा। हमारे लिए विश्वास ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए और खुश करने के लिए जरूरी है। यह इब्रानियों के पत्र अध्याय 11 पद संख्या 6 में लिखा है। विश्वास के सूरवीरों के बारे में हम इब्रानियों के पुस्तक अध्याय 11 पत्र संख्या 4 में पढ़ें तो हाबिल ने काइन की अपेक्षा श्रेष्ठ बलि चढ़ाई और वे विश्वास के कारण ही धार्मिक समझे गए। पत्र संख्या 7 में पढ़ें तो नूह ने ईश्वर की अदृश्य बातों पर विश्वास करते हुए अपने परिवार को बचाने के लिए एक पोत का निर्माण किया। पत्र संख्या 8 में पढ़ें तो इब्राहिम ने ईश्वर का बुलावा स्वीकार किया यह ना जानते हुए कि वे उसे कहाँ ले जा रहे हैं, उस देश का प्रस्थान किया। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 21 में पढ़ें तो कनानी स्त्री की बेटी जो अब्दूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही थी, ईसा उनसे कहते हैं, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। क्योंकि उस कनानी स्त्री का विश्वास था कि उसकी बेटी चंगी हो जाए और उसकी बेटी अच्छी हो जाती है। थैंक यू।